शायद सीम को ज्यादा मदद होगी, लेकिन साउथहैम्पटन में मैच है इसलिए कह रहे कि पिच सूखा भी हो सकता है अंत में, तो एक स्पिनर तो भारत को लेना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत ही उत्सुक रहते लोग के टीम क्या होगी, प्लेइंग 11। और ये टेस्ट मैच का एक बहुत ही एक मजेदार एक हिस्सा होता है कि टेस्ट मैच शुरू होने के पहले इंटरेस्ट काफी होता है कि टीम क्या होगी, टॉस जीतने के बाद क्या होगा, पिच कैसा होगा। तो प्लेइंग 11 मेरा क्या होगा ये पूछा गया है, तो मैं अपनी प्लेइंग 11 बताता हूँ। ज़्यादातर बहुत ही ऑब्वियस है कि क्या प्लेइंग 11 होगी। तो मेरा मानना है कि कप्तान की जो होगी वो शायद अलोक ही, लेकिन मेरी प्लेइंग 11 जो मैं चाहूँगा, क्योंकि मैच है इंग्लैंड में साउथहैम्पटन में और इंडिया जून में यानी क्रिकेट समर के पहले, इतनी जल्दी इंडिया बहुत रेयरली सीरीज खेली है, ज़्यादातर जुलाई अगस्त में खेलती है, तो ये जून में है तो शायद सीम को ज़्यादा मदद होगी। लेकिन साउथहैम्पटन में मैच है इसलिए कह रहे कि पिच सूखा भी हो सकता है अंत में, तो एक स्पिनर तो भारत को लेना पड़ेगा। तो ये है मेरी प्लेइंग 11। शुभमन गिल ओपनर होंगे, उनके साथ होंगे रोहित शर्मा, नंबर 3 पे पुजारा, नंबर 4 पर विराट कोहली, नंबर 5 पर अजिंक्य रहाणे, नंबर 6 पे मैं रखना चाहूँगा हनुमा विहारी, क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड पहले टेस्ट मैच में ओवरसीज में इतना अच्छा नहीं होता और ज़्यादातर बैटिंग का जो एक इश्यू है, बैटिंग के लिए जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है बॉलिंग से ज़्यादा, इसीलिए मैं बैटिंग में थोड़ी सी डेप्थ लाना चाह रहा हूँ। हनुमा विहारी जो एक कॉम्पैक्ट डिफेंसिव प्लेयर है वो शायद पुजारा के साथ एक इनिंग्स को बना के रखेंगे, क्योंकि बाकी सब थोड़े से अटैकिंग प्लेयर हैं। और लास्ट इनिंग जो हनुमा विहारी ने ऑस्ट्रेलिया में खेली थी इंजरी के पहले, वो बहुत ही एक महान इनिंग्स थी, तो उसके लिए भी थोड़ा सा रिवॉर्ड। 7 नंबर पर मैं चाहूँगा कि ऋषभ पंत हो, 8 पे अश्विन, एक स्पिनर होना चाहिए क्योंकि साउथहैम्पटन का रेपुटेशन वैसे, और आजकल ड्रेनेज की वजह से पिचेस आउटफील्ड सूखा करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा लगाया जाता है, लेकिन पिच भी कभी कभी उसके वजह से सूखा हो जाता है। तो 8 नंबर पे अश्विन, और फिर हमारे 3 सीमर्स हो गए, वहाँ पर एक शायद थोड़ा सा मुझे लगता है डबल माइंडेड मैं भी हूँ और शायद वहाँ पर थोड़ी सी डिबेट होगी। मोहम्मद शमी तो है इन, बुमराह तो है इन, 10 हो गए, ईशांत शर्मा या मोहम्मद सिराज। अब लोग सोचेंगे ईशांत शर्मा को खेलना चाहिए, लेकिन इंग्लैंड में मोहम्मद सिराज जिस तरह के बॉलर है, जैसे न्यूजीलैंड के स्विंग बॉलर टिम साउदी या ट्रेंट बोल्ट या काइल जेमिसन, उसी तरह अगर मोहम्मद सिराज को भी मौका मिले तो मैं ज़्यादा उससे डिसअपॉइंट नहीं रहूँगा। मुझे लगता है इंडियन टीम शायद ईशांत शर्मा को खिलाएगी, लेकिन सिराज एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑप्शन है, इसलिए मैं उनको रख रहा हूँ प्लेइंग 11 में एक पॉइंट करने के लिए, क्योंकि स्विंग बॉलर है और शमी और बुमराह थोड़े से ज़्यादा सीमर हिट द डेक जो पिच से मदद निकालते, और सिराज जब ओवरसीज खेले पिछला मैच तो उन्होंने 6 विकेट निकाली थी और उसमें से 5 विकेट हॉल भी था, तो वो भी थोड़ा सा माइंड रखते हुए उनको मैं ले रहा हूँ अपने टीम में। तो ईशान/सिराज, और मैं शायद थोड़ा सा मोहम्मद सिराज की तरफ झुकाऊंगा।